Hello YouTube, welcome back to my channel. My name is Deepak and you're watching Yaadon ka Carvan. Aaj wapas se road pe nikla gaya hai Bagheera ke saath. Aur Bagheera kuch is tarah dikhte hue. Ye hai aaj ka ride. To aaj hai 25th of January. Kal Republic Day hai. To isiliye plan banaya gaya hai ki chale कहीं पे राइड किया जाए. और राइड कैसे किया जाए, कुछ इस तरह. तो ये आज हम राइड कर रहे हैं नेशनल फ्लैग के साथ. मेरे साथ और दो लोग हैं और एक बाइक भी है, डोमिनार और एक हिमालयन. तो एक्चुअल जो व्लॉग है यहाँ से नहीं शुरू होता है. व्लॉग के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और फिर आगे ट्रिप अब देखते रहिए. All right, तो फ्यूल अप हो चुका है और ट्रिप हो रहा है शुरू. निकल रहे हैं हम बैंगलोर के लिए अभी. तो देख लिया ना, थोड़ा बहुत राइड शुरू हो चुका है. 70 किलोमीटर्स आ चुके हैं घर से. ब्रेकफास्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत ब्रेक लिया गया था. अब निकला जा रहा है और आगे बढ़ के मिलते हैं. तब तक आप सारे लंच ब्रेक के लिए रुका गया है. वहाँ गाड़ी लगाया गया है, वहाँ वो गाड़ी. अच्छा जगह है लंच के लिए. बेसिकली आउटडोर और इंडोर दोनों है. तो इट बेस आई विल टेल यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. एक टोल नाका है, टोल नाका के बाजू में है ये. दिखने में तो सही है, अब खाने में देखते हैं खाना कैसा है. खाना खा के मिलते हैं. राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जैसे बताया गया था कि जैसे बोला था तो हो जाता था बे. देख दिया भाई कहाँ है. आई एम सॉरी. ओके, सो अभी हम लोग पुल्लूरू टोल प्लाजा के पास हैं. हैदराबाद टू बैंगलोर जाते हुए टाइम पे पुल्लूरू टोल प्लाजा आता है 200 किलोमीटर के बाद. तो 200 किलोमीटर पे खाना खाने के लिए लंच के लिए रुका गया था. तो लंच करके हो गया. चीप है होटल, बट खाना वाइज में टेस्टी उतना नहीं था. बट ओके, काम चलाने के लिए चाय बेहतरीन. लंच के बाद सीधा ब्रेक लिया गया है 400 किलोमीटर पे. टाइम लैप्स चल रहा है, सनसेट हो रहा है, इसलिए टाइम लैप्स लगा दिया गया है.
यहाँ से और 150 किलोमीटर्स होटल है, तो टाइम लैप्स के बाद सीधा होटल, और उसके बाद होटल में मिलते हैं। तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय करिए। ऑल राइट, सो होटल पहुंच गए। 553 किलोमीटर्स का राइड था। पहुंचते 8:30 बज गए, निकले थे सुबह 9:30 बजे। तो बेसिकली पहले आपको मैं रूम टूर दे देता हूँ। ये बेड और ये एक एक्स्ट्रा बेड, छोटा सा सोफा टाइप, टीवी, कबर्ड, एक टेबल सेट, चेयर, ये बाथरूम। सो रुका गया है ओयो में। ओयो हमको बहुत चीप में पड़ गया, 3 लोग के लिए 900 रुपीस पड़ा, तो इट वाज बेस्ट डील फॉर द डे। और वैसे भी बहुत लंबा राइड करके आया है, तो एंड मोर ओवर कल नींद भी नहीं था, तो इसलिए सोचा गया कि कैंपिंग करने से बेस्ट है कि ओयो में रूम ले लो और नाइट अच्छे से स्पेंड करो या सो के, फिर अगले दिन का राइड जो है ठीक ठाक होगा और आगे चल के शायद कैंपिंग हो सकता है। 90% चांसेस तो है, क्योंकि कल मॉर्निंग का जो लोकेशन है नंदी हिल्स है, उसके बाद चिकमगलूर जाना है। चिकमगलूर में हो सकता है कि कैंपिंग हो, क्योंकि वहाँ पर के जो लोकेशन से बहुत अच्छे लोकेशन से, तो देखते हैं अगर कैंपिंग करने का कुछ बना सीन तो कैंपिंग किया जाएगा। फिलहाल खाना खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि बहुत गंदे तरीके से थक गए हैं। कल रात में भी नींद नहीं था, सुबह निकल गए, 1 घंटा भी सोए नहीं, तो अभी हालत पस्त है। नहाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह, शायद नंदी हिल्स में ही सीधा मिलेंगे, या तो फिर जब सुबह निकलेंगे तब मिलेंगे। तब तक के लिए आप भी सो जाइए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, टाइम चेक 4:55, 5 बज रहे। 5 बजे निकला जा रहा है सुबह के होटल से नंदी हिल्स के लिए, बिकॉज मॉर्निंग व्यू शुड बी स्प्लेंडेड, इसलिए सोचा कि मॉर्निंग सनराइज वहीं देखा जाएगा। ओके लेट्स गो, आ जाओ नीचे, मैं नीचे रहता। ठंड तो है भाई साहब, इट्स अ बिट कोल्ड हियर। ये था हमारा होटल ओयो, इंदू कंफर्ट्स, चीप रेट एंड बेस्ट रूम्स, फैसिलिटीज, खाना एंड ऑल भी अच्छा था। टू गो, टाइम दिखा रहा है 6:30 AM टू रीच नंदी हिल्स, विच इज़ 40 किलोमीटर्स, 1 आवर दिखा रहा है। टाइम हो रहा है अभी 1:20, 5:28 हो गया। चलो